अब खबरें की शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर से जो नीमच के लिए खुश खबर है। जी हाँ, मेडिकल कॉलेज का रास्ता साफ हो गया है और नीमच में मेडिकल कॉलेज बनेगा कनौटी के पास। जमीन विवाद को लेकर चल रहा इशू अब नहीं रहेगा। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट ने फैसला ले लिया है, नीमच के कनौटी के पास मेडिकल कॉलेज बनेगा। नीमच जिले वासियों के लिए खुश खबर है कि नीमच के मेडिकल कॉलेज के लिए राज्य शासन द्वारा जमीन आवंटन का रास्ता साफ कर दिया गया है। अब नीमच का मेडिकल कॉलेज कनावटी के पास ही बनेगा। पहले जमीन विवाद को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे और इसमें राजनीतिक पेच भी बताया जा रहा था, लेकिन कनावटी के पास जमीन आवंटन का निर्णय राज्य सरकार की कैबिनेट ने ले लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंगलवार को हुई, जिसमें नीमच मेडिकल कॉलेज के लिए कनावटी के पास 97,000 वर्ग मीटर की जमीन को स्वीकृति दे दी गई है। यह जानकारी खुद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और जावद के विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने एक वीडियो वायरल करके दी। श्री सकलेचा ने बताया कि नीमच में मेडिकल कॉलेज को लेकर पहले से ही प्रक्रिया चल रही थी और इस मामले में अब कैबिनेट ने निर्णय लिया है, जिसके आधार पर अब नीमच के कनौटी के पास ही मेडिकल कॉलेज बनेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में नीमच के मेडिकल कॉलेज के लिए कनौटी के पास जमीन 1 रुपये के भूभाटक पर अलाट कर दी गई। वो चिकित्सा शिक्षा विभाग को जमीन की अलॉटमेंट कर दी गई। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री एवं सभी कैबिनेट के सदस्यों का धन्यवाद एवं आभार मानता हूँ। साथ ही नीमच जिले के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस उपलब्धि पर देता हूँ। ये प्रोजेक्ट नीमच के भविष्य के लिए बहुत उपयोगी और जरूरी था, इसलिए सभी का धन्यवाद। मेडिकल कॉलेज की जमीन आवंटन की खबर जब नीमच आई तो नीमच वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार ने इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद दिया। दिलीप सिंह परियार ने कहा कि नीमच के लिए खुशी की बात है कि वहां मेडिकल कॉलेज बनने का रास्ता साफ हो गया है। हमारी पहले से ही मांग थी कि नीमच का मेडिकल कॉलेज नीमच में ही बनेगा और जो जमीन हमने स्वीकृत की थी वह उसी जमीन पर अब मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कैबिनेट के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया है। जी नमस्कार, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सर्वहारा वर्ग का कल्याण करने वाले माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज नीमच में मेडिकल कॉलेज की कनावटी की भूमि पर कैबिनेट में पास किया है। इसके लिए मैं उन्हें नीमच की जिले की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि अब नीमच जिले का मेडिकल कॉलेज सर्व सुविधायुक्त बनकर तैयार होगा और लोगों को मेडिकल सुविधाएँ मिलेगी। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है। मैं कैबिनेट के समस्त मंत्रीगणों का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ। हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी का आभार प्रकट करता हूँ। माननीय सांसद सुधीर गुप्ता जी का आभार प्रकट करता हूँ और जनता जनार्दन की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लोक हितम मम करणीयम, लोक हित में जो निर्णय कनावटी में मेडिकल कॉलेज बनाने का लिया गया है, मैं पुनः हृदय नीमच जनता की ओर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेडिकल कॉलेज को लेकर नीमच के पत्रकारों ने आंदोलन शुरू किया था और यह आंदोलन लगातार 2 साल तक चलता रहा। पहले मेडिकल कॉलेज की फाइनल सूची में नीमच का नाम नहीं था, लेकिन पत्रकारों के आह्वान पर नीमच जिला बंद रहा। उसके बाद यह मामला जमीन विवाद को लेकर उलझ गया। हाल ही में पत्रकारों के संगठन ने नीमच में मेडिकल कॉलेज को लेकर बंद का आह्वान किया, सीएम के जावद आगमन का भी विरोध किया था। उसके बाद यह बड़ी जीत नीमच जिले वासियों की हुई है, जिसका श्रेय नीमच के पत्रकारों को जाता है जिन्होंने मेडिकल कॉलेज की लड़ाई को अंत तक लड़ा और इसे परिणाम तक पहुंचाया। नीमच में मेडिकल कॉलेज खुले इसको लेकर सबसे पहले प्रयास नीमच के 2 डॉक्टरों ने किए। ये दोनों डॉक्टर जहाँ चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं, वहीं राजनीतिक दलों से भी जुड़े हुए हैं। एक है डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू, जो कि नीमच के पूर्व विधायक और कांग्रेस के कद्दावर नेता है। दूसरे डॉक्टर हैं डॉक्टर राजेंद्र एरन, जो कि भाजपा की पृष्ठभूमि से आते हैं। दोनों ने ही मेडिकल कॉलेज को लेकर सबसे पहले चर्चा शुरू की और इस पर अभियान शुरू किए।
डॉक्टर राजेंद्र एरन ने तो पत्रकारों के साथ मिलकर आंदोलन शुरू किए और उनकी रणनीति काम आई, नीमच में मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाए और इसके लिए जमीन आवंटन हो, इसको लेकर डॉक्टर राजेंद्र एरन की बड़ी भूमिका सामने आई है। नीमच में मेडिकल कॉलेज खुले, इसके लिए राजनीतिक दल भी सक्रिय रहे। सांसद सुधीर गुप्ता जहां दिल्ली में लगातार सक्रिय रहे और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलते रहे, वहीं भोपाल में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा और दिलीप सिंह परियार की सक्रियता भी काम आई। भाजपा के इन तीनों नेताओं के प्रयासों की बदौलत नीमच में मेडिकल कॉलेज का रास्ता साफ हो गया। जमीन आवंटन के बाद अब बस भूमि पूजन कर कार्य प्रारंभ कराना है। नीमच में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने को लेकर कांग्रेस नेता भी सक्रिय रहे। तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के समय जब यह मामला भोपाल पहुंचा तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण पाटीदार, राजकुमार अहीर और उमराव सिंह गुजर भोपाल में पैरवी करते नजर आए। तीनों नेता लगातार तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिले और उनके कार्यकाल के समय ही मेडिकल कॉलेज स्वीकृत होकर दिल्ली पहुंचा। उसके बाद अब शिवराज सिंह सरकार ने जमीन अलॉटमेंट कर नीमच के मेडिकल कॉलेज का रास्ता साफ कर दिया है।